नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्नेक टंग यानी सांपों के जीभ के बारे में। दोस्तों, सांपों की जीभ हमेशा से ही एक रहस्यमय चीज मानी जाती है। जहां सांप और सांप के जीभ को देखकर लोगों की फटकर चार हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सांपों की जीभ को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साही होते हैं। हजारों सालों से लेकर आज तक हर दौर में बुद्धिजीवियों ने सांपों की जीभ को लेकर कुछ रहस्यमय खुलासे किए हैं। इन्हें जानने के लिए हमें जाना होगा कुछ 2350 साल पीछे, यानी लगभग 384 से लेकर 322 BC तक। एंशियंट ग्रीस के अंदर, यह है द ग्रीक फिलोसोफर एंड पॉलीमैथ अरिस्टोटल। इसे हमारे यहाँ अरस्तु के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अरिस्टोटल सांप के जीभ को लेकर काफी उत्सुक थे। उनका ऐसा मानना था कि जब सांप अपनी जीभ को बाहर निकालता है और अंदर डालता है, तब सांपों को अपने खाने का दुगना आनंद मिलता है। दोस्तों, अरिस्टोटल कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था, वह अपने जमाने का महान फिलोसोफर माना जाता था। इसी का फायदा उठाते हुए उसने सांप की जीभ के बारे में यह अंधेरे में तीर चलाया था, जबकि उसकी यह थ्योरी बिल्कुल गलत है। सांपों द्वारा जीभ लपलपाने से खाने का टेस्ट नहीं बढ़ता। अरिस्टोटल के कुछ सालों बाद एक इटालियन कॉस्मोलॉजिस्ट जिसका नाम है गियोवानी हेडियरना, इसने भी अपनी एक राय दी। वह कहता था कि सांप अपनी जीभ का इस्तेमाल नाक से गंदगी साफ करने के लिए करता है। मतलब यार, फेंकने की भी कोई हद होती है। मतलब लोग आपको मानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी फेंकमबाजी करो, है ना। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनमें इन भाई साहब की भी कोई गलती नहीं है। इन्होंने अपने आसपास गाय, भैंस और बैल को ऐसा करते हुए देखा होगा, इसीलिए इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। फिर उनके कुछ सालों बाद 17वीं सदी के लेखकों ने ऐसा दावा किया कि उन्होंने सांपों को अपनी जीभ के कांटों के बीच मक्खियों और अन्य कीटकों को पकड़ते हुए देखा है। भाई, ये लोग तो कुछ ज्यादा ही फेंकू निकले। उस बेचारे कॉस्मोलॉजिस्ट ने तो खाली स्टेटमेंट दिया था, लेकिन इन लोगों ने स्टेटमेंट के बजाय सीधा बोल ही दिया कि हमने देखा है सांप को मक्खियां पकड़ते हुए। वेरी डिस्गस्टिंग यार। फिर दोस्तों, उसके कुछ सालों बाद और आज भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सांप अपनी जीभ से डंक मार सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। सांप अपनी जीभ से डंक नहीं मार सकता। हमारे अर्थ पर कई जानवर ऐसे हैं जो जीभ का इस्तेमाल चखने, अपने आप को या दूसरे जानवर को साफ करने के लिए करते हैं, या शिकार को पकड़ने के लिए करते हैं, लेकिन सांप इनमें से किसी भी काम के लिए अपनी जीभ का यूज नहीं करता। दोस्तों, फिर 17वीं सदी के बाद कुछ लोगों ने बताया कि सांप अपनी जीभ का यूज मुंह से आवाज निकालने के लिए करते हैं, जैसे सीटी बजाना और मौत को छूकर टाक से वापस आना जैसी आवाजें। पिछले 20 सालों से कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी के एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कर्ट स्वेंक सांपों की जीभ के कार्य को समझने के लिए काम कर रहे हैं, और सांप की जीभ का एक्चुअल वर्किंग शायद इन्होंने ही बताया है, और ये मुझे क्लोजली एक्यूरेट लगता है कि सांप अपनी जीभ का इस्तेमाल करके हवा और जमीन से केमिकल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और मुंह के अंदर टॉप सरफेस पर मौजूद जेकबसन ग्लैंड तक वो पहुंचाते हैं। फिर जेकबसन ग्लैंड केमिकल इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद वह सिग्नल ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और उसके जरिए सांप शिकार, शिकारी या खतरे का पता लगा लेते हैं। लेकिन रुको दोस्तों, यह बात यही खत्म नहीं होती। पहले ऐसा सोचा जाता था कि जीभ सीधा ही जेकबसन ग्लैंड तक केमिकल इंफॉर्मेशन पहुंचा देती है, लेकिन जब सांप के मुंह का एक्सरे किया गया तब पता चला कि मुंह बंद होने पर जीभ चलती ही नहीं है। वह केमिकल इंफॉर्मेशन मुंह के बॉटम साइड में मौजूद पैड पर इकट्ठा करती है। जब मुंह बंद हो जाता है तब मुंह के टॉप सरफेस पर लगे जेकबसन ग्लैंड और बॉटम सरफेस पर लगे पैड, जिसके पास केमिकल इंफॉर्मेशन मौजूद है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और इंफॉर्मेशन को जेकबसन ग्लैंड को हैंडओवर कर दी जाती है। स्नेक टंग एक ही बार में दो जगह से इंफॉर्मेशन ले सकती है। ये होता है उसकी फटी हुई जीभ के कारण। इतना ही नहीं दोस्तों, सांप की जीभ का कमाल और भी है। सांप अपनी जीभ से फीमेल का भी पता लगा सकते हैं। वो कैसे? जब कोई फीमेल मेटिंग करना चाह रही हो तब वो एक यूनिक प्रकार का गंध इन्वायरमेंट में फैला देती है। फिर कोई मेल स्नेक उस गंध को, जैसे मैंने अभी बताया, उस तरह से प्रोसेस करके फॉलो करते हुए फीमेल तक पहुंच जाता है। सांप की जीभ को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करने के बाद यह पता लगाया गया कि सांप ऐसे पार्टिकल को भी पकड़ लेते हैं जो उनकी जीभ के पहुंच में नहीं आते। वो कैसे?
तो ऐसे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सांप अपनी जीभ से हवा में एक भंवर बनाता है। ऑब्वियसली ये उसके साइज के अकॉर्डिंग छोटा ही होगा। जब सांप अपनी जीभ को हवा में लहराता है तो एक भंवर बनाता है, जिससे जीभ के पोंच में ना रहने वाले पार्टिकल भी भंवर में फंस कर पकड़ लिए जाते हैं। घात लगाकर शिकार करने वाले सांप जैसे रसल्स वाइपर, सॉस्केल्ड वाइपर, इन सांपों के लिए स्मेल काफी मददगार साबित होती है। दोस्तों 1930 के दशक में जब जानवरों को लेकर लॉज इतना स्ट्रिक्ट नहीं थे, उस वक्त हरमन कैमन नाम के बायोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक सांप की जीभ का कांटे वाला हिस्सा ही काट दिया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि जीभ कट जाने के बाद सांप का बिहेवियर कैसा होता है। तो सरप्राइजिंगली सांप की जीभ के कटने के बाद भी जीभ प्रॉपरली वर्क कर रही थी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।